अतीत से लौटे हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष तथा बहन होलिका वृंदावन पहुंच बनाते हैं विध्वंसक योजना। भक्त प्रहलाद की स्मृति में होली मनाते हैं ना लोग, इस बार की होली होलिका मनाएगी। अग्नि की होली, मृत्यु की होली। वृंदावन में भय का जाल बिछाने अपने कदम चलती है होलिका। विष्णु, तुमने वस्त्र से ही अपने भक्त की रक्षा की थी, अब यही वस्त्र इन वृंदावन वासियों के अंत का कारण बनेगा। और कंस सेवक भद्राक्ष हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष को भड़का उन्हें प्रेरित करता है श्री कृष्ण की हत्या करने। उस बहुरूपी का अंत करने के लिए हमें भी बहुरूपिया बनना पड़ेगा। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को चुनौती देने तथा अपना प्रतिशोध लेने का संकल्प ले हिरण्याक्ष के शरीर को अग्नि में तपा अनश्वर बनाता है हिरण्यकश्यप। दामोदर जी, क्या हुआ आपको? मेरे पूरे शरीर में अग्नि दौड़ रही है। और अग्नि में गांव वालों को जलता देख हतप्रभ रह जाते हैं कृष्ण। अब कैसे करेंगे कान्हा होलिका की अग्नि से अपने भक्तों की रक्षा? पूर्व जन्म में भगवान विष्णु की लीला को छल समझी होलिका लेती है भगवान विष्णु के भक्तों से अपना प्रतिशोध। परम अवतार श्री कृष्ण, अब मैं तुम्हें माया रचने का कोई अवसर नहीं दूंगी। अब मैं जलाऊंगी होली तुम्हारे प्रिय वृंदावन वासियों की। परंतु उन्हें बचाने में श्री कृष्ण को करना पड़ता है असहायता का सामना। मेरे साथ अधर्म करके भी तुम मेरे सम्मुख आने का दुस्साहस कर रहे हो। मैं किसी के साथ भी अधर्म नहीं करता। तो छल पूर्वक क्यों किया तुमने मेरा अंत? श्री कृष्ण से अपना पूर्व जन्म का प्रतिशोध लेती है होलिका और प्रथम बार अग्नि में ध्वस्त होता है संपूर्ण वृंदावन, जिसमें बलि चढ़ती है अबोध वृंदावन वासियों की श्री कृष्ण की आंखों के सामने। सभी वृंदावन वासी मिल होलिका के आतंक के विरुद्ध करते हैं भगवान विष्णु की आराधना और श्री कृष्ण करेंगे होलिका का उद्धार। होलिका, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था किंतु तुम नहीं मानी, अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। ये साधारण सा दूध मुझे कैसे जला रहा है? ये कोई साधारण दूध नहीं है, अभी तो इसमें सारे वृंदावन वासियों की भक्ति भरी हुई है। अंत कर दो इस होलिका का, अब तुम्हारे अंत का समय आ चुका है। श्री कृष्ण वृंदावन वासियों संग मिलकर पूर्णतः करते हैं होलिका दहन, जिससे क्रोधित हिरण्याक्ष असुरी रूप धारण कर गिराता है वृंदावन को पाताल में। चलाओ इस गुलेल को और रोक दो इन तीरों की वर्षा को। नहीं कर सकता मेरे तीनों की शक्ति को। वृंदावन को पाताल में धसा कान्हा को वराह अवतार लेने के लिए बाध्य करता है पूर्व जन्म का असुर हिरण्याक्ष। जीवित नहीं बचेगा तू। अरे हिरण्यकश्यप, इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। एक बार पुनः अपनी लीला में फंसा हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को भ्रमित कर देते हैं कान्हा। आओ आओ, पकड़ो मुझे। परम अवतार कृष्णा, तेरे वराह रूप का अंत करके ही मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। हिरण्याक्ष, अधर्म कभी भी धन पर विजय नहीं पा सकता। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु विष्णु के वराह अवतार को धारण करते हैं श्री कृष्ण। विष्णु अवतार का अंत करने हेतु हिरण्याक्ष करता है निर्दोष वृंदावन वासियों पर आक्रमण। हिरण्याक्ष, मैं धरती को पाताल ले जाने वाला हिरणा, मैं अपनी बहन होलिका की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। हिरण्याक्ष का उद्धार करने हेतु कान्हा करेंगे वराह रूप धारण। वृंदावन वासियों,
तुम सब मरोगे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप एक साथ मिलकर करते हैं श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों का अंत करने का प्रयास, और असुरों के इस अचानक आक्रमण से कान्हा हो जाते हैं आश्चर्यचकित। वृंदावन के ऊपर कोई संकट है, मुझे शीघ्र वृंदावन पहुँचना होगा। अवतार, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था मैं वराह। अब युगों पूर्ण प्रतिशोध पूर्ण होगा मेरा। पिछली बार तुमने मेरा अंत किया था वरहा, किंतु इस बार मैं करूंगा बराबर। अंतिम समय निकट है। विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए परम अवतार कान्हा के सखा सांवरे का अंत करने का षड्यंत्र रचता है हिरण्यकश्यप, और भक्ति और प्रेम से लिप्त एक भक्त की पुकार की खोज करते कान्हा आ पहुंचते हैं बरसाना की राधा के घर। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्योंकि तुम कल रात्रि भजन गाकर मुझे पुकार रही थी। अब तो तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा ना ग्वाले, कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा। पहले हमने बिटवा को छोड़िए। छोड़ दो ने। और जो वो औरत उनके साथ है? वो जो औरत? गुलू, कौन है तुम्हारे साथ? आराम आराम से, ये गड्ढे के यहाँ से धीरे धीरे इस तरफ चलना शुरू कर, और सुन ध्यान से आना, इस तरफ गड्ढा है उस तरफ खाई है। वैदी, मुझे हाथ दे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अभी जी आप तो सही पकड़े हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। किसी का नहीं
ने आपको फोन किया था पर पुष्कर जी ने उठाया था कि विदिता जी के केस में एक नई जानकारी मिली है। पर उसने मुझे बताया नहीं। दरअसल दिल्ली में तैरते हुए कॉफिन में एक घायल लड़की मिली है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी गट फीलिंग कह रही है कि वो आपकी बहू विदिता जी ही हो सकती हैं। सर ने ये सारी बातें पुष्कर जी को बताई थी। आखिर पुष्कर ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए क्यों? मुझे पुष्कर से साफ साफ बात करनी है। विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान उनकी शक्ति सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा।